नमस्कार अमर स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन को स्वागत करुछि मु निवेदिता दर्शक बंधु आगर कम थिला रोग संख्या कम थिला रोगी संख्या यारी मध्ये रोग बढ़ुछि रोगी संख्या बढ़ुछि किंतु बिल्कुल भी भयभीत नही रोगी को केमते आकु मुकाबला करबा तबे जो नुआ लिस्ट रे नुआ रोगर तालिका जोड़ी होछि तेनु आपण जेकोनसी रोग संबंधे सचेतन कराइबा पई अमर ए स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम जा रही आम कार्यक्रम मध्यम आपको विभिन्न समय सूचना दे था तेज आम स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रिस्क्रिप्शन दर्शक बंधु कोरोना महामारी भयवता मध्ये डेंगू रोग को नहीं आतंक बढ़ुछि तेज आतंकित न हो रोगर भयवता को बुझा सह केमती रोका जाई पारिबो से नहीं सचेतन होगा जरूरी तेणु इस संबंध में अधिक आलोचना करने और डाक्टर परामर्श ना तेज सबुथर बेले आज आम सह अच्छा आमरी हस्पिटाल चढ़ाशुणा डाक्टर तथा वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर तन्मय साहू डॉक्टर साहू आम सहित जोड़े सारी डॉक्टर साहू आपको अर्गस न्यूज को स्वागत करेंगे डॉक्टर साहू गोटे कथा हूँ आप जानते महामारी समय डेंगू को नहीं वर्तमान समय चिंता बढ़ुच्छे तेणु समस्त को कम से कम डेंगू संबंध में जानवा को पड़े ताल हे तो लोके सचेतन हे तेज प्रथम जानवा को चाहिए डॉक्टर साहू जे डेंगू ज्वर वास्तविक होबार कारण कौन एक्चुअली डेंगू ज्वर गोटे भूताणु जनित रोग जोटा कि मशा कामुड़ा द्वारा होता है आडिस इजिप्टी गोटे मशा अच्छी जोटा कि आमको कामुड़े द्वारा गोटे डेंगू रो भूताणु अच्छी से शरीर को आसिकी डेंगू ज्वर करते तबे डॉक्टर साहू विशेष करी आमे जानिछंती कोविड रे जेमती सिम्पटम्स थाए डेंगू रे सेमती कोन सब स्पेसिफिक सिम्पटम्स अछि जणे जानि पारिबो जे सहज रे बुझियबो जे हां जणे डेंगू द्वारा संक्रमित सेमती किछि स्पेशल सिम्पटम्स रहै छि कि डेंगू टा भी गोटे भूताणु जनित रोग जेमती कि हमर कोविड गोटे वायरस वायरस वायरल फीवर सेमती डेंगू टा भी मध्य गोटे वायरल फीवर तेणु गोटे पर्टिकुलर सेमती सिम्टम ना जोटा कि आम डेंगू पाई स्पेसिफिक कही पार कारण यार सब सिम्टम गुटा ऑलमोस्ट बाकी जो वायरल फीवर भले भी यूजुअली हुए बट जेमती नॉर्मली आम ज्वर आपंकर देह हाथ तो बिंधा हवा मुंड बिंधा हवा गंठी बिंधा हवा आउ काश कफ कि गलारे पेन हवा यही सब जिनस बहुत दुर्बल लगे युवा यूजुअली आम डेंगू रिमटम अच्छी किंतु सेंतिपाई आमे देखिबा गले बाकी वायरस वायरस जो फीवर अछन जेंती कोविड हला कि आपनकर चिकन गुनिया कि अबला को नॉर्मल कॉमन जोटा कॉमन कोल्ड थंती ताटो आमे बहुत पर्टिकुलरली आमे डिफरेंशिएट करि पाइबन अलगा करि पाइबन सिम्पटम वाइज किंतु यूजुअली डेंगू फीवर आपनकर बॉडी पेन बहुत सीवियर वीकनेस आ आपनकर देह हाथ पेन करबा जॉइंट पेन हबा एंदा यूजुअल सिम्पटम होता सेते आसले हमें डेंगू सस्पेक्ट कर पड़े नेंती जदी जो दर्शक माने हमको देखु चंती नेंती डॉक्टर साहू जा कहथले जदी आपनको बॉडी पेन होची सीवियर वीकनेस रहउची तले ताले आपन होय तो डेंगू द्वारा संक्रमित हे परंतु तेनो जमा बे विलंब करंतुनी डाक्टर को परामर्श नियंतु तबे डॉक्टर साहू एया देखबा को मिले जे वर्तमान समय आपन जानथिबे जेतु कोविड को नै समस्त भयभीत यार मध्ये डेंगू कथा जते बेले कुआ जाउची तेनो कोटना कोटे लोक कन्फ्यूज होउछंती जे वास्तविक डेंगू द्वारा संक्रमित ना कोविड द्वारा सेमती जदि देखिबे आपण जे जोति पाए प्राय देखिबा को मिलुछि जो पेशेंट रहिछंती से माने विलंबरे मेडिकल जाउछंती विलंबरे ट्रीटमेंट कोउछंती जानि परुनाते केमते कन्फ्यूजन से माने कर क्लियर होबो जे हां मु डेंगू द्वारा संक्रमित ना मु कोविड द्वारा संक्रमित देखो मुझे कहल कि आम खाली सिम्टम बेसिस रे जो लोग लक्षण बेसिस रे आम डेंगू और कोविड को पर्टिकुलरली आम अलग करेणु जदि जने फीवर होची जन को देह हाथ पेन है मुंड बिंधा है सीवियर वीकनेस लगे तो निहाती डॉक्टर परामर्श करवा मो हिसाब से निहाती जरूरी आतीक जल्दी करम हिसाब से एटा बेटर पेसेंट मान भी आमको फ्यूचर मैंने पेशेंट को आउ गोटे पेशेंट को स्प्रेड को बंद करने दरकार
ତେଣୁ ଆର୍ଲି ଡକ୍ଟର କନସଲଟେସନ କରିକି ଆମେ ନିହାତି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ୟା ଫିର କୋଭିଡ ପାଇଁ, ତ ସେଇ ସେମିତି କରିକି ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ ତେଣୁ ଆର୍ଲି ଆର୍ଲି ଯେତେ ଆର୍ଲି କରିପାରିବା ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବେଟର। ଓକେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କେବେ ନିପାତ ହେବ, କେବେ ମୂଳପୋଛ ହେବ କୋଭିଡ଼ର। ତେବେ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆଉ କୋଭିଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା, ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁ କ'ଣ କୋଭିଡ଼ ପଡ଼ି ସେତିକି ମାରାତ୍ମକ କି? ଜଣେ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଦ୍ୱାରା, ସେତିକି ତାକୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଧିକ ରହିଥାଏ କି ଡେଙ୍ଗୁରେ? ତେବେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଜାଣିବାକୁ ଏହା ଚାହିଁବୁ ଆମେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଡେଙ୍ଗୁ ଆଉ କୋଭିଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ, ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ରେ, କାହିଁକିନା ଯଦିଓ ରୋଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଡେଙ୍ଗୁରେ ସେମିତି କିଛି ରହିଛି କି ଜଣେ ସିଭିୟର ହେଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଡେଙ୍ଗିରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ। ଆମେ ଯଦି କୋଭିଡକୁ ଧରିବା, କୋଭିଡ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା କୋଭିଡ ଭାଇରସର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ଡେଙ୍ଗୁରେ କାଫି କମ ଅଛି। ଯେମିତି ଏଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1%। ଯଦି ଆମେ ଆଡିକୁଏଟ ଆର୍ଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି, ତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କାଫି କମ ଅଛି, ମାନେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1%, ଯୋଉଠି କୋଭିଡରେ ଆରାଉଣ୍ଡ ମୋର 2% ୟା ତାଠୁ ବେଶୀ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଅଲଗା ଯେମିତି ସିମ୍ପଟମ କୋଭିଡ ର ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ବି ୟୁଜୁଆଲି ଡେଙ୍ଗିରେ ଏତେ ଆସେନି। ତେଣୁ ଆର୍ଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଲେ ଡେଙ୍ଗିର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କାଫି କମ ଅଛି କୋଭିଡ ଅପେକ୍ଷା। ଓକେ, ତେବେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଏଡିସ୍ ମଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ବିଶେଷ କରି ଏ ମଶା ଦିନରେ ହିଁ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା, ସେମିତି କିଛି ଏଡିସ୍ ମଶା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ରହିଛି କି ଯେ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇ ମଶା ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି କିଛି ଥାନ୍ତି କି ଏଡିସ୍ ମଶା ସେମିତି କିଛି ଅଲଗା ଧରଣର? ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଡିସ୍ ମଶା ଯେମିତି ଆମେ କହନ୍ତି ମୋଷ୍ଟଲି ସେଟା ଡେ ବାଇଟର, ମାନେ ଦିନ ବେଳେ କାମୁଡେ, ଆଉ ସେଟା ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ ଏଡିସ୍ ମଶା କାମୁଡିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ସେଟା ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଫିଚର। ଆଉ ଯେହେତୁ ଦିନ ବେଳେ ଆମେ ବାହାରେ ବି ବୁଲୁଥିବା ୟା ଘରେ ଇଭିନ୍ ବସିଥିବା, ତ ମଶା କାମୁଡିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ମାନେ ତାର ମସ୍କ୍ୟୁଟର ଫିଚର୍ସ ନେଇକି ୟା ସେ ଆମକୁ ପେନ୍ କରିବ କି କ'ଣ ସେମିତି ନେଇକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ବେଟର କି ଆମେ ପ୍ରିକସନ ନେଇପାରିବା, ମାନେ ମଶା ଯେମିତି ଆମକୁ ନ କାମୁଡ଼ିବେ ତାର ପ୍ରିକସନ ନେବା ଆମ ପାଇଁ ବେଟର। ଓକେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଦିଏ, ବେଶୀ ୱିକନେସ୍ ଲାଗେ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ହେବା, ଦେହ ଦରଜ ହେବା, ଏଇସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଥିଲେ ଜଣେ ଡେଙ୍ଗୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ତେବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅଲଗା ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ କି? କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ସହଜରେ ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କଠାରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ନା ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ, ସେମାନେ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେଇ ସିମିଲାର କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ହିଁ ମାନେ ସିମ୍ପଟମ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତି। ଲାଇକ ଯେମିତି କହିଲି କି ଜ୍ୱର, ଦେହ ହାତ ପେନ୍, ହଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଅଲଗା କିଛି ଯେମିତି ଫିଚର ତାଙ୍କର ରହିପାରେ, ବାନ୍ତି ହବା, ପେଟ ପେନ୍ ହବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହବା, ତା ସହିତ ଜ୍ୱର, ଦେହ ହାତ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଡେଙ୍ଗୁର ଅଲଗା ଯେମିତି ସିମ୍ପଟମ କହିଲି, କିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବାନ୍ତି କରିକି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କରିକି ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ତ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଜ୍ୱର ସହିତ ଏଇସବୁ ସିମ୍ପଟମ ଆସିଲା ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇପାରିବା। ଓକେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବେଶୀ ବିପଦଜନକ? କୋଭିଡରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଏଇଭଳି ଭାବେ, ଏବଂ ହାର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରୋଗ ଥାଏ ତେବେ ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ମାରାତ୍ମକ ସାଜେ। ସେମିତି ଡେଙ୍ଗୁ, ସେମିତି କୌଣସି ରୋଗ ରହିଛି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେଇ ରୋଗ ଥିବ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକା? କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜନସଂଖ୍ୟା, ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି କି ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲା, ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଲେଡି କି ଏଲ୍ଡରଲି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ
वयस्क लोग या अलग सहित अलग किसी प्रॉब्लम अच्छी किडनी प्रॉब्लम अच्छी हार्ट प्रॉब्लम अच्छी डायबिटीज अच्छी से माने तांकु डेंगू ता ठीक से भी भाबले अफेक्ट करि पाटे अ मेनली हमकु छोटो पिला मान प्रेगनेंसी एवं एल्डरली लोग एवं डिसीजन ध्यान रखना ओके तबे डॉक्टर साहू आउ जदि गोटे कथा कहबा जो मानकर आंठू गंठी बात थिबो किंबा जो मानकर पूर्वरु ऑर्थोपेडिक कोनोसी भी समस्या रहि थिबो तबे से मानक क्षेत्र रे जदि डेंगू हुए तांको पई बेसी विपजनक हे पारे कि जेतु आपण कहउथिले जे देह दरज बा आंठू गंठी बिंधा पई सब लक्षण थाए डेंगू रे तांको तांको केस एक्चुअली हमको डेंगू चिन्हट करबे कि असुविधा हे मारे कारण इंटरनल से मानक जेंती पूर्वरु प्रति प्रॉब्लम छि कि पेन अच्छी जोड़ा कि हमारे लोग डेंगू टाइप सेम थिंग प्रेजेंट हो उसके ही इतना करने की डेटा जानने में हमको तो लेट थे सारे अदरवाइज अगर मैं जब कि सिवियरिटी हवा की से अगर मृत्यु का ना बढ़ जाए सेम की किसी मामले में सेपरेट इजली हो ओके नियति तबे डॉक्टर साहब आ गोटे कथा होची जे जेमते आमे जानि छथि कोविड कथा जति देखिबे आपण कोविड रे पूर्वर मेडिसिन जेमते आ जदियो सेमते किछि डॉक्टर परामर्श दियंतिनि जे पूर्वर ए मेडिसिन खाइबो किंतु पूर्वर समस्त विटामिन टैबलेट आडि खाउछन्ति तेनु सेइभळि भाबे डेंगू रे जेतु एबे डेंगू व्यापुची जेतु वर्षा दिन आमे जानि छथि डेंगू व्यापे वर्षा दिने जदि परिवार आ जणे संक्रमित होचे डेंगू द्वारा तेणु अन्य जड़े संक्रमित होबा पूर्वर जदि पूर्व प्रस्तुति करि पारिबो कि पूर्वर सेमति किछ मेडिसिन रहिछ कि से आगुरवाणी खाइ पारिबे सेंटर ट्रेनिंग सी मेडिसिन नै जोंना कि हमको डेंगू प्रिवेंट करिबो गोटे फैमिली मेंबर फिक्स तो आउ जने परिवार रो अन्य लोक अपार्ट में सेंटर सी मेडिसिन नै जोंना कि हमको रोकी पारिबो किंतु हां जेहेतु डेंगू रो मशा जोंते एडीसी जिति कोन एटा घर किचन घर भीतर फैमिली मेंबर मानको काम रे आउ जेहेतु हम घर घरे मल्टीपल माने फैमिली तो तीन चार जन मेंबर लोग छन कि आउ हम एकानी बोल छन कि की प्रॉब्लम को छन कि जो जैसे तेईस से समान समान माने मसा जाए कि दुई माने मल्टीपल फैमिली मेंबर को कैरेक्टर को माने काम में पड़े जो चीज की डेंगू एक बार समाप्त हो तो असल किसी मेडिसिन नहीं तो लेते हम डेंगू प्रिवेंट करेगा बट लेकिन कोई आपन को मस्कुटो हमें संक्रमण मस्कुटो को काम माने मशा कामुड़े पर को हमें निश्चित रूप से पहुंची करेगा अगर हम जैसे घर चाहिए को क्लीन करने की कि मस्कुटो और किसी जो रेगुलर बंद भी लगे कि रात में हमें मस्कुटो नेट लगे कि सेंटर हम प्रिवेंट कर रहे हैं लेकिन से किसी मेडिटेशन था जो कि हमको प्रिवेंट कर रहे हैं तेबे डॉक्टर साहब आउ गोटे कथा मध्ये जानिबाकु चाहिबो विशेष करी आपण जेमते कहतले एडिस मशा जे कि दिन बेला कामडंती जदि एडिस मशा कोनो से खाद्य रे जाई बसंती एबो आमे जो स्ट्रीट फूड कथा कोंतु बाहर खाद्य जदि आमे जाई खाइबा जो खाद्य कुडी को रास्ता साइड रे बिक्री हुए जदि जणो को सेई एडिस मशा कामडी थिबो एबो से संक्रमित होइतिबो से मशा जाई जदि खाद्य उपरे बसे तबे जदि जणे से खाद्य को खायंती ताले ता द्वारा भी व्यापी पारे कि डेंगू ସେମିତି ଇଜୁଆଲି ଆମର ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ କି ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକୁ କାଟିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏଡିସ୍ ମସ୍କିଟୋ କାମୁଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇ ଜୀବାଣୁ ଜଣେ ଦେହ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ରୋଗୀକୁ ଯଦି ସେଇ ମଶା କାମୁଡ଼ିକୁ ରୋଗୀ ସେଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିକି ଆଉ ଜଣେ କାମୁଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଆଶେଷ ଖାଇବା ଉପରେ କି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ମଶା ବସିଯାଏ ସେଇଟା ଖାଇଲେ ସେମିତି କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ओके डॉक्टर साहू जदि जड़े परिवार रे डेंगू द्वारा संक्रमित अन्य जण को हेबार संभावना रही कि कहीं ना कोविड क्षेत्र में देखा मिले सांगे सांगे जो अन्य जन को व्यापे आम जानते भूताण जनित रोग डेंगू भूताण जनित रोग तेणु जनक अन्य जन को व्यापार खूब शीघ्र संभावना थाए कि डेंगू रे परसेंट टू परसेंट ट्रांसमिशन को अंतिम में जोड़े रोगी जो ना ताप अपने आउटर रोगी ले सी रोगी को प्राप्त हो आउटर रोगी को बेहोश की बात यूजुअली सेंस थी कोई नहीं पर जेहेतु हमारे ना मस्सा करो भी तो ले मल्टीपल मूवी तो करिए बढ़ते परिवार में ना जोड़े की मतलब जोड़े को बेसिक लोगों के काम नहीं पाए से एक काम हो सकता तो सही केस में हमें मल्टीपल फैमिली मेंबर आफेक्ट नहीं कर रहा किंतु जोड़े रोगी को तो आसेस विदाउट मॉस्किटो बाइट नॉ है कि आउटर ट्रांसमिशन निकलिए हम ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ବିନା ଲୋକ ସେମିତି କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ
ओके तबे डॉक्टर साहू जदि आमे डेंगू न व्यापीबा पई कोन सब को उपाय अवलंबन करबा दरकार जेते कि आपण अपरिष्कार जो जगह हुए सेठारे विशेष करी मशा जमंती आ सेई एडिस मशा कामडीबा द्वारा डेंगू हेता तेनु एथिरु केमती उपशम मिलबा डेंगू केमती न हेबा ता पूर्वरु कोन सब करबा दरकार मशा कामुड़ा द्वारा होती जब आपको मशा घर पाखे यूजुअली एटा दिन बेले कामुड़े घर घर भितर ही कामुड़े दिन टाइम रे तो आपको एटा जत्न नवा को पड़ो कि घर पाखे जेंती खोला पानी जमी मा किछि आम टायर हो कि हमर किछि खोला बटर हो खोला कुंड हो जो पानी जमु छि तो लाइक नड़िया नड़िया जो बलपन खाए से जे पानी जमु छि सब दिन से को हमें घर पाखे हटे पड़िबा सचेतन आवश्यक कहते जो मस्किटो कॉइल कथा कहतु मशा तेल ये सब व्यवहार होगा दरकार तेज डॉक्टर साहू आहुरी अनेक गुड़े प्रश्न रही डेंगू को नहीं कहीं जेहेतु डेंगू वर्तमान समय चिंता बढ़ाऊँ तेणु डेंगू पूर्व समस्त को सचेतन होगा पड़ो जो रोग होना कहीं सचेतन हेले ही आम यार मुकबिला कर डॉक्टर साहू फेर भी आपको परवर्त समय आनेक गुड़े प्रश्न रही जार उत्तर आम जानवा चाहेबू कि छोट ब्रेक पर स्वागत हमें लगातार आलोचना कहते जे डेंगू रु केमित रे सुरक्षित तेणु आपण समस्ते सुरक्षित रही सचेतन रही ही आपोसी रोग होना कहीं आप तार मुकबिला करेंगे आम सहित लगातार भाव डॉक्टर तन्मय साहू वरिष्ठ चिकित्सक आम सहित अच्छा डॉक्टर साहू पुणी थे आप फेर कि आम सहित जोड़े कलर जोड़ कल टी नहीं जाए आप फेर आप उत्तर रखिए तेज कल टी नहीं जाऊ हेलो हेलो नमस्कार किए कहते कौट कहते भुवनेश्वर कोठी आज्ञा आज्ञा मोर जानिबार हां कोन छ आज्ञा मैडम कोन प्रश्न रहै छै अपन पचार परबे हम सतो डॉक्टर साहू छै कि डेंगू मसे जो काम जो हम डेंगू की सेटा मसे ता को टाइम रे काम देले माने इस तक देखि अन चार टाइम किछि सेंस अछि ओके नियंत बाप रे कि सबले जति कि नॉर्मल नॉलेज जति कि सुनु जे एक्चुअली ता टाइमिंग कोन ओके डॉक्टर ऑलरेडी कही सारी तथापि पुणी थे डॉक्टर परामर्श ना जेहतु डॉक्टर साहू आम सहित लगातार भाव अच्छे डॉक्टर साहू जमी जो कलर फोन करते आम जमी कि समय पूर्व कहते जेहतु दिन बेल मशा कामुड़ती आउ थे टी से क्लारीफाई करूँ जे के समय मशा कामुड़ती क्यों मशा कामुड़ती क्यों मशा कामुड़ा द्वारा या बापे जब समस्त जानते सी क्लीअर होगा चाहते मस्कुट अच्छे जो मशा कामुड़े हुए आमको आमती कहटा यूजुअली दिन बेले कामुड़े था बट से किसी स्पेसिफिक टाइमिंग ना कि मॉर्निंग रे कामुड़े बेस सीभर हम या दिन बेले या संध्या बट मस्कुट तार नेचर हिसाब से मस्कुटा मेनली दिन बेले कामुड़े दिन बेले सका सन्या यूजुअली बाहर बस इवन आम टीवी देखुं बाहर बस भी खाऊं भी यहाँ कामुड़ी पड़े तो बट सेम कि टाइमिंग स्पेसिफिक मस्किटो रो आसे टाइमिंग तो साहू काहे के दिन बेला केबड़ एडिस मसा कामणंती कोन पे राती समय रे काहे के कामणंती नी जे आपण कहतले जति सेम कि स्पेसिफिक समय न थाय किंतु काहे के कुआ जाउ छी जे केबड़ मसा दिन समय रे काहे के कामणंती ने एटा मस्किटो रो नेचर जेन के हमर बहुत प्रकार किछि मस्किटो दे आ नाइट रे आसी का बोलो से किछि मस्किटो डे रे आसी का बोलो कि एटा मस्किटो रो प्रकृति सेटा कि सेही टाइम रे यूजुअली बोले आ तारो खाद्य
संग्रह करे। ओके डॉक्टर साहू, सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ आम जानते जमी आम कोविड रे इम्यूनिटा सब इम्पोर्टाट इम्यूनिटी बढ़ा कमे निहाती गुरुत्वपूर्ण सेमती प्लेटलेट केमती प्लेटलेट को बढ़ाव आउ गोटे प्रश्न रही दुईट प्रश्न उत्तर आप जानवाक चाहिए जेहतु स्वल्प समय आम पाखे अच्छे जे जो मैंने कोविड वैक्सीन नहीं प्लेटलेट दे पारे कि दुईट प्रश्न उत्तर रखिए जे प्लेटलेट बढ़ावा कौन सब करवा दरकार जो मैंने कोविड वैक्सीन नहीं प्लेटलेट दे पारे कि एक्चुअली प्लेटलेट बढ़ेबा पई हम सेमती किछि पर्टिकुलर मेडिसिन की खाद्य नहीं जो थे कि हमरा प्लेटलेट बढ़ी पड़ो बट हाँ आम किछि मेजर रोग हेला पर हम किछि मेजर कर पड़ा जो थे कि प्लेटलेट बहुत कमी बाकु टिके कम प्रिवेंट कर पड़ा लाइक जदी हमको हाई ग्रेड फीवर आसी बहुत जोर से जोर आसुचे कि अलगा तो सही केस रे हमरा पैरासिटामोल लगा रहे कि बहुत जोर से जोर आसले भी प्लेटलेट काउंट हमर टिके कम हो पारे या नॉन कम प्लेटलेट काउंट ब्लीडिंग रो टिके रिस्क बढ़ पारे तेनु हमको जदी सीवियर जोर आसुचे हमें डॉक्टर परामर्श ने कि मेडिसिन पैरासिटामोल कि अलगा जोर पाई मेडिसिन नहीं परिबा और जोरटा कंट्रोल रहले प्लेटलेट मे भी हमको टिके कम कमिंग पारे आउ अदरवाइज किछि किछि मेडिसिन जे छै जोटा कि हम प्लेटलेट कम कर दिए तो जदी आप कहाँ कि हिंद की स्पेसिफिक डेंगू जर होइ छै कि ता से प्लेटलेट कम अछि से टाइम रे आपन डॉक्टर को कहि परबे जदी किछि आपन स्पेसिफिक मेडिसिन चल छै जोटा कि डॉक्टर देखि कि आपन परामर्श दे परबे कि आपन से मेडिसिन कंटिन्यू करि परबे या किछि दिन बंद करि परबे। आउ एटा ल आपन प्रथम प्रश्न बाकी जेंति कहले कोविड वैक्सीन पर प्लेटलेट डोनेट करि पारिबे कि नहीं हाँ यूजुअली आपन जदि अलगा किसी प्रॉब्लम नहीं आपन सेकंड डोज रो 15 डेज पर आपन प्लेटलेट डोनेट करि पारिबे किछ असुविधा नहीं जदि अलगा किछ आपन को कॉन्ट्राइंडिकेशन ना। ओके तबे डॉक्टर साहब आउ एक कथा मते जानिबा को चाहिबो सेमते किछ स्पेसिफिक वैक्सीन रोइछि कि डेंगू पई जे पूर्वपुर प्रतिशतक हिसाब रे ताकु निया जाय पारिबो किंबा परवर्ती समय रे ताकु निया जाय पारिबो सेमते किछ स्पेसिफिक वैक्सीन रोइछि कि जेमते कोविड रे रोइछि। हाँ डेंगू रो वैक्सीन अच्छी जमती हमर डेंगू रो एक्चुअली चारटा स्ट्रेन अच्छी तो टेट्रावेलेंट वैक्सीन आउ बाइवेलेंट वैक्सीन माने दीटा स्ट्रेन रो वैक्सीन आउ चारटा स्ट्रेन रो वैक्सीन अच्छी बट तेगडा यूजुअली माने किछि किछि कंट्री रे दिया होउची जोटा यूजुअली एनुअली या दुई वर्ष कु थारे वर्ष कु थारे बट तार एठी हमर इंडिया रे एटा कि वाइड स्प्रेड यूज हेइनि कारण देख माने हाई एफिकेसियस सेंटी किछि जोटा को पर्टिकुलर स्टडी आसेनी जोटा के हमें माने लार्ज स्केल रे पॉपुलेशन वाइज रिकमेंडेड आसेनी। ओके डॉक्टर साहू आउ गोटे कथा मध्ये जानिबा को चाहिबो जेतु कहुथले आपण जे डेंगू द्वारा आंठो गुंठी कथा कोंतु बॉडी पेन बा वीकनेस से सब केचे लक्षण थाए तबे बेसिस करी वृद्ध वृद्धा क्षेत्र रे हमें देखि चंती जेतले वयस 60 रु ऊर्ध होइ जाय सेतबेले आंठो गुंठी समस्या शरीर पीड़ा ए सब समस्या देखा देथाय सेमानन को क्षेत्र रे डेंगू जदी हुए ताको पई केते घातक होइ पारे केते विपज्जनक होइ पारे केमते से बारे सतर्क रहिबे। नॉर्मल जॉइंट पेन की देह हाथ पेन डेंगू रो गोटे लक्षण बट ता सहित अलग सिम्टम के भी हमको ध्यान देवा पड़ो जमी कि खाली मुंड बिंधा पारे बांति पारे पेट पेन पारे भोक लगवा कमी जावा आपन को शीघ्र विकनेस लगवा ये सब जिन आम खाली गोटे जॉइंट पेन देखिक तो कहीपरि तो सब लक्षण को लेकिन यूजुअली जदि आम को पेशेंट ए सब लक्षण एक्सपीरियंस करछन्ती से माने जदि डॉक्टर पाक जाय कि आउ आली हमर जल्दी परामर्श करले हमें मैनेजमेंट कर परबा जेंति कि रेस्ट नबा हम को एडिक्वेट डाइट या फ्लूइड नै परबा आउ ता सहित जर पाइ पैरासिटामोल ए सब जिंस नै परबा एवं हम जल्दी पैरासिटामोल जोटा हम सॉरी प्लेटलेट काउंट को हमें चेक करे कि मॉनिटर कर परबा तेनो अर्ली डायग्नोसिस टा सब फ्रॉम हाई इंपोर्टेंट सेटा सब एज रे भी आउ स्पेशली वृद्ध माने ओल्ड ओल्ड एज रे सेटा भी इंपोर्टेंट। ओके डॉक्टर साहू शेष परामर्श आपणकर जानवा को चाहबू जो माने डेंगू द्वारा वर्तमान समय रे संक्रमित अछंती से माने विशेष करी भयभीत होछंती जे कोविड को नै जेतेबेले समस्त भयभीत अवस्था रे अछंती डेंगू कथा जेतेबेले आसुची आउ धीरे धीरे डेंगू रो संख्या बढुची आउ एपटे मेडिकल एम्बतियो बेड रो अभाव देखबा को मिलाडी त डॉक्टर साहू से मानक पई आपणकर शेष परामर्श कोन रहइबो केमते से माने भयभीत नहि केमते मुकाबला करबे केमते सतर्क रहबे। हाँ एक्चुअली डेंगू पाई हमको भयभीत मो हिसाब से हमको बेस भयभीत हवा दरकार नहीं एक्चुअली कारण डेंगू गोटे एक कमन भाइराल फिवर ही नहीं पार्बा जोटा कि मृत्यु हार बहुत कम डेंगू
ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ 99% ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ନର୍ମାଲି ନର୍ମାଲ କନଜରଭେଟିଭ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିଲି ପାରାସିଟାମଲ ବେଷ୍ଟ ନେବେ, ଏବଂ ଘରେ ରହିଲେ ବି ସେମାନେ ଆଡିକୁଏଟ ଫୁଡ୍ ପାଣି ଆଉ ଅଲଗା ତରଳ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇପାରିବେ ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ କୁ ଆଭଏଡ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରେଷ୍ଟ ନେବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେଙ୍ଗୁ ପେସେଣ୍ଟ ମୋର ଦେନ୍ 99% ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଯିବେ ଯୋଉମାନେ କି ହସ୍ପିଟାଲର ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଆମକୁ ପ୍ୟାନିକ ନ ହବା ଏବଂ ଏଇସବୁ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ରେଷ୍ଟ ଡାଏଟ ଏବଂ ପାରାସିଟାମଲ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଲେ ଠିକ ହେଇପାରିବ ଆମେ। ओके नियति भावे आशा करुच्छे जो दर्शक मैंने आमको देखुवे नि डाक्तर परामर्श से नि काम आसो तेणु बिल्कुल भी आप भयभीत हूँ ना कोविड भाई डेंगू बिल्कुल भी नुहे जदि आपमती किसी लक्षण देखुंत तुरंत डाक्तर परामर्श नियंतु जमा भी अवहेला करूँ कहीं सामान्य अवहेला आपण को बड़ विपद को डाकि आनीपे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहू आपण मूल्यवान समय देते आमको अनेक परामर्श दौले नि भाव में आम दर्शक अनेक प्रश्न उत्तर पाई जहाँ आप विस्तृत भाव कहते बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहू आप जोड़े आम सहित। तेज दर्शक बंधु आम आज आलोचना करते कोविड समय डेंगू रू केमी सुरक्षित रे के पथ आपड़े केमी सतर्क रे सचेतन रे बाबद आम सहित जनाशुना डाक्तर वरिष्ठ चिकित्सक डाक्तर तन्मय साहू जोड़ते आमको अनेक परामर्श दौले। तेज समय सरी आम स्वतंत्र स्वास्थ्यभित्तिक कार्यक्रम को यही रखुचु पुणी देखा आगामी एपिसोड में पुणी जड़े नुआ अभिज्ञ डाक्तर सहित से पर्यटन मत विदाय दिंतु नमस्कार।